हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमके ग्लो जोन और मैं हूं आपकी होस्ट ममता। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं ग्रीन टी के बारे में कुछ बातें जो हम सबको पता होनी बहुत जरूरी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ग्रीन टी के बारे में नहीं पता है। जिनको पता है मैं उनके लिए कुछ भी नहीं इसमें बता रही हूँ। जिनको नहीं पता है, जिनको ग्रीन टी के बारे में नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि ग्रीन टी वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको फैट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, जो मोटे होते हैं या जो अपना डाइट पे होते हैं या फिर जो जिम जाते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम कई लोगों को है कि इस तरीके की बातें वो सोचते हैं कि ग्रीन टी सिर्फ वही लोग लेते हैं जो फैट कॉन्शियस होते हैं, जो डाइट कॉन्शियस होते हैं। ओके गाइस, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन टी एक हेल्दी और एक ऑर्गेनिक ऑप्शन है हमारे पास, जो हम लेके अपने बॉडी की कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ये बात सच है कि ग्रीन टी जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, जो लोग अपना वेट लॉस कर रहे हैं, वो लोग पीते हैं, मस्ट है उनके लिए। बट ग्रीन टी हम सब पी सकते हैं। जो डाइट कॉन्शियस नहीं है, जो नहीं अपना वेट लॉस करना चाहते, वो भी ग्रीन टी को पी सकते हैं। तो ग्रीन टी बेसिकली होती क्या है? ग्रीन टी हमारे जो भी जड़ी बूटियां लगा लीजिए या फिर कोई भी इस तरीके के पत्ते जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो सबका वो चूरा बना के वो एक ग्रीन टी के तौर पर हम लोगों के लिए उन्होंने लेके आए हुए हैं। ओके गाइज, तो ग्रीन टी से क्या होता है? फैट लॉस होने के अलावा और क्या होता है ग्रीन टी से? ग्रीन टी से सबसे ज़्यादा जो हाई होता है वो मेटाबॉलिज्म हाई होता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। फर्स्ट ये हो गया। दूसरा, हार्ट से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम होती है, दिल की बीमारियां होती हैं जिनको, वो भी ग्रीन टी ले सकते हैं। या फिर अपने बॉडी को, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको ग्रीन टी स्टार्ट करनी चाहिए अभी से ही। ओके, उसके साथ साथ वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करती है। ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम रहती है, किसी का हाई किसी का लो, तो वो भी ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी शुगर वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। ग्रीन टी हर तरीके से आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करती है, आपका बीपी कंट्रोल करती है, आपका शुगर कंट्रोल करती है, आपका आपको कैंसर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उससे प्रिकॉशन देती है, प्रिवेंशन है एक तरीके से ये। ओके, आप अगर ग्रीन टी लेते हैं तो आपको कैंसर से कई गुना तक आप दूर हो जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से। तो ग्रीन टी इतनी इफेक्टिव होती है हमारी बॉडी के लिए। ग्रीन टी से हार्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, कई लोग देखा है आपने, हाँफते हैं, दो सीढ़ियां चढ़ के आते हैं, हाँफते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन, अगर उनको कोई नहीं भी बीमारी है ना तो भी वो हाँफेंगे, लेकिन उनके कंपैरिजन जो ग्रीन टी लेते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो ग्रीन टी बहुत मस्ट है, ग्रीन टी हमें ज़रूर पीनी चाहिए। ओके, तो ग्रीन टी का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, चाहे वो फैट लॉस कर रहा है, चाहे वो वेट लॉस कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ओके गाइस, तो हम सब ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं करती भी हूँ तो मैं दिखा देती हूँ। मैं ये ग्रीन टी का ऑर्गेनिक इंडिया तुलसी ग्रीन टी क्लासिक, तो इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ और मैं पत्ते भी दिखा देती हूँ इसमें। ये देखिए, दिख रहा है? हाँ, विजिबल हो रहा है। तो इस तरीके के इसमें पत्ते आते हैं, तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके गाइस, तो ग्रीन टी हमें कैसे पीनी चाहिए? ग्रीन टी हमें खाली पेट नहीं पीनी है, इफेक्टिव ये होगा। खाली पेट पीने से क्या होगा, आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कब्ज हो गई या फिर कॉन्स्टिपेशन, तो मैंने बता दिया है, मतलब पेट से रिलेटेड उससे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसीलिए खाली पेट नहीं पीनी चाहिए आपको। या तो आप ब्रेकफास्ट करने के बाद इसको पी सकते हैं, ब्रेकफास्ट करने के आधा घंटे बाद, या फिर आप इसको लंच करने के आधा घंटे बाद पी सकते हैं। बट एक दिन में एक कप या ज़्यादा से ज़्यादा दो कप टी ही आपको पीनी है, उससे ज़्यादा नहीं पीनी है। ओके गाइस, तो
आप अगर नहीं पीते हैं तो आज से ही ग्रीन टी स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी होती है, बजाय कि हम जो नॉर्मल दूध वाली चाय पीते हैं उससे ये लाख गुना अच्छी होती है। ओके गाइस, इससे यही नहीं, आपके स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होती हैं वो भी ठीक होती हैं, आपके बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ठीक होती हैं। तो एक तरीके से मान लीजिए 100% जो कहते हैं ना नेचुरल और इफेक्टिव, वो ये ग्रीन टी है। आप किसी भी ब्रांड की ग्रीन टी ले सकते हैं, आपको जरूरी नहीं, ये तो मैंने हमारे लोकल मार्केट से ही खरीदी है, कोई ऑनलाइन नहीं मंगाई है, बट ऑनलाइन भी अगर आपको मंगानी है तो बहुत सारी है, जैसे लिप्टन हो गई, टेटली हो गई, ये हो गई, और काफी सारी है मार्केट में अवेलेबल, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब बताऊं अगर मैं तो कैसे बनती है ग्रीन टी। ग्रीन टी कभी भी आपको, जैसे हम चाय पत्ती के साथ चाय उबालते हैं वैसे कभी नहीं उबालनी है, आपको हमेशा गर्म पानी अलग करना है, ये 1 स्पून भर के आपको एक ग्लास में डाल देना है, स्टील की ग्लास में डालिएगा। ओके, उसमें थोड़ा गर्म रहेगा और पानी गर्म किया, स्टील की ग्लास में डाल दिया, अब 5 मिनट इसको छोड़ दिया, 5 मिनट के बाद छान लिया, छानने के बाद आप इसको पी सकते हैं। अगर आप उस पत्ती को प्रेस करेंगे तो आपकी टी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। ओके, अदरवाइज अगर आपको नहीं करनी है तो नॉट एन इश्यू, तो आपकी नॉर्मल रहेगी। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपकी जो टी है वो थोड़ी कड़वी हो गई, क्योंकि कई लोग तो ग्रीन टी इसीलिए नहीं पीते हैं क्योंकि बहुत कड़वी लगती है उनको, बट ऐसा नहीं है, एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी लगने लग जाएगी आपको। ओके, तो क्या करना है, जो लोग नहीं पी पाते हैं ज्यादा कड़वी, तो आप उसमें 1 चम्मच हनी डाल सकते हैं या थोड़ा सा गुड़ साइड में ले सकते हैं, गुड़ खाया और चाय पी ली, ऐसे कर सकते हैं, या फिर गुड़ उसमें डाल के मेल्ट हो जाए तो वो अच्छा है। ओके, तो इस तरीके से आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर अपना बताऊं, मैं पूरे दिन भर में सिर्फ 1 कप ग्रीन टी पीती हूँ, और वो भी शाम की चाय नहीं पीती हूँ मैं, शाम को ग्रीन टी ही पीती हूँ। ओके, अब आप कहेंगे ग्रीन टी के साथ कोई स्नैक्स, तो ग्रीन टी के साथ सबसे अच्छा जो स्नैक्स होते हैं वो मुरमुरे होते हैं, मखाने होते हैं या फिर चने होते हैं, आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे रहेंगे, और बजाय कि बिस्किट विस्किट खा के अपना जो है डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करने से अच्छा है आप ये सब चीजें ले सकते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जो भी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।